अपने माइयां वास्ते अल्लाह पाक तंदुरुस्ती देवे अल्लाह सेहत वाली जिंदगी देवे अल्लाह उन्हां लंबियां उमरां करे अल्लाह उन्हां दे बच्चियां नूं तंदुरुस्ती देवे अल्लाह खैरी सलामती उन्हां नूं इलम तलीम हासिल करन दी तफीक देवे। अच्छा जी अल्लाह पाक खैर करे। ते हुण रह गया जी मैं इन्हां नूं दिखानी है ये परेशान बैठे है क्यों इन्हां दा रोजा वा रोजे च मैं नहीं दिखाया भी एवें बच्चा दा दिल कर पैंदा बच्चे जो होए ते अल्लाह खैर करे जी। आ तां हैगियां पहले नंबर ते जी खजूरां अल्लाह खैर करे ये तो साड़ी भैन ने भेजियां होईयां सी ओही है मैं थोड़ियां थोड़ियां रोजे दी इफ्तारी दे टाइम इन्हां नूं कढ के देनियां हुंदियां। ते दूसरी गल आ जी भाई अज लैके आए सी सौ भी आ जाऊगा तरबूज तलिया कट मैं देखो माशाल्लाह सही निकलिया वा क्यों इन्होंने मामू जी ने टक नहीं सी लवाए कहना सी टक्की नहीं लवानी क्यों बच्चे ने रोजे के टाइम तुसी कटना वा ते इहदा जायका ना खराब हो जाए। मेहरबानी करके भाई जी थोड़ी इन्नी सोच तो काम करती भी बच्चे ने रोजा रखिया सी ते उन्होंने अफतारी दे वेले बच्चे नूं कट के देना ते वाकई जे असीं टक्की लवाई हुंदी उन्होंने वेख्या हुंदा वी कच्चा के पक्का जे उस टाइम वेख लैंदे ते फिर हुण इहदा जायका चेंज हो जाणा सी। अल्लाह खैर करे उन्होंने नहीं लवाई उह आंदे इन्हां दी किस्मत बच्चियां दी ते अल्लाह पाक नां दुरुस्ती देवे वाकई जी इन्हां दी किस्मत माशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे अच्छी आ माशाल्लाह ते हर दे मां बाप दे बच्चियां नूं अल्लाह पाक इस तरह ही रखे। साडियां तां दुआवां वा अल्लाह पाक अगे भी ते भैणां भरावां अगे भी मां बाप दा बच्चियां नूं अल्लाह पाक हर मुसलमान दे बच्चियां नूं फरमे बरदार बनावे बच्चियां नूं ते अल्लाह पाक खैर करे जी। ते दुआना तां हो गया सही निकल आया ते मैं यही सोच रही सी भी मैं सोबिया दे रोजे दा टाइम हो गया बच्चियां ने दूसरे ने भी रोजे खोलने मुंडियां ने भी अल्लाह खैर करे वो नमाज पढ़न गए हुए उन्होंने भी टाइम हो जाना उन्होंने भी आ जाना हमने दिन तो पढ़िया नमाज ये पढ़िया आया वा असर दी पढ़ के आया ये ते हुण तां हो गया ये तो बड़ा लेट आया वा पता नहीं कितने खेडदा रहा ये हुण तां रोजे दा टाइम होया खलोता वा ते नहीं हुण भेडां नूं चारा चूरा पा रहा बारिश आई है भेडां डक रहे आ ओहदा भी रोजे दा टाइम हो गया वा अल्लाह खैर करे माल लै आया झट अज माल लै गया होया सी क्यों अज एतवार सी अज छुट्टी सी असीं आख्या भी चलो झट भेडां नूं अज तुसी चारा दे लिया बाहर चरा भी लिया इस करके भी इतवार वाले दिन तो चलो हो नहीं तो जानवर दिया कोई थोड़ी बहुत ना लत्त खुल जाए जानवर फेरने चाहिए तो अगे पिछे तो बेचारे पढ़ाई के मसरूफ रेंगे बच्चे तो परेशान नहीं करीदा बच्चों तो अज तो इंशाला उन्होंने फेरिया वा भेड़ा चरा के लिया वा तो हूँ बेचारा अपने मकान भेड़ा वाले उन्होंने दक रहा वा फिर भी उन्होंने थले सुक्का भी करना पैंदा वा क्यों मौसम के हालात में बारिश आ गई है तो उन्होंने थले कोई मिट्टी कोई तूड़ी इदा दिन चीजा पानिया पैदा कोई अगर खुरली चारा पाना पैदा वा अल्लाह खैर करे मेरा बेटा पा रहा वा वह भी आ रहा वा वह भी रोजा वा अल्लाह खैर करूगा अल्लाह तंदुरुस्ती दे अल्लाह सेहत वाली जिंदगी देवे। तो जेडे मेरे भैन भरा सन वेखते अल्लाह पाक उन्होंने भी लंबिया उमर करे साड़िया दुआव साढ़े भैन भरावान वास्ते तो भैन भरावान दुआवान की सू बहुत ज्यादा लौड़ आ बहुत ज्यादा हलफ की लड़ आ अल्लाह पाक उन्हें भैन भरावान तंदुरुस्ती दे सेहत दे अल्लाह उन्होंने जिंदगी बहुत लंबी लंबी देवे जी साड़ी तो यह दुआ वा अल्लाह खैर करे। अच्छा जी अल्लाह खैर करे आज दवाना तो गया कटिया इन्ना हमें नहीं कटती तो अज मैं सोफिया उन्होंने पानी भी नहीं देना मिठा बना के क्यों
अन्न जल का पानी जेड़ा वा जो जामा शेरी का पानी है बच्चों दुहाने के नाल नहीं जायज है कि मुड़ के बच्चे मेदे के मसले बन जाते हैं जैसे भी दुहाने के नाल मिठा पानी नहीं देना चाहिए बच्चे हैदा हो जाता वा तो अल्लाह पाक खैर करे अज दुहाना सी नाल ते नाल खरबूजा भी है ते मैं कहा बेटा अज सादा पानी रखो नाल अज पहले अल्लाह खैर करे खजूर नाल सो भी रोजा खोलना वा उस तो बाद तुसी दुहाना खा लियो भावे खरबूजा खा लियो ये थोड़ी मर्जी है मेरी भांजी शौक नाल खांदी है ते अल्लाह पाक उन्हां नूं तंदुरुस्ती देवे साडा वाला तां नहीं हैगा ते लेकिन साडे भरा अल्लाह पाक उन्हां दी जिंदगी करे अल्लाह उन्हां नूं सेहत देवे सानू कदी साडा वालद याद नहीं आन दिता मेरे चार भाई है अल्लाह पाक मेरे उन्हां चारों भाइयों की जिंदगी करे और अल्लाह उन्हां नूं तंदुरुस्ती देवे असीं कां दे हथ वी सुनेहा भेजे ना ते साडे भरा साडे सिर ते पहुंचे अल्लाह कुल भैणां नूं इदां ही भरावां नूं भैणां दे सिर ते पहुंचण की हिम्मत देवे और तफीक देवे साडी तां दुआ इही दिली दुआ इही अल्लाह पाक खैर करे अल्लाह तंदुरुस्ती देवे ते मेरे भाइयों ये भी पता साड़ी भैन दूर बैठी है ते जान पता नहीं पहुंच सकदियां जां नहीं पहुंच सकदे ते मेरे भाई नूं अल्लाह तंदुरुस्ती देवे उन्हूं पता सी अज असीं अपनी भैन कोले चले हां ते उन्होंने अज फल लैके आए हैं बच्चियां जोगा ते ये भी हर इंसान की सोच नहीं कि वह भी शहरों आए वो कोई शहर के बिच नहीं कि शहर तो लहदा बैठे लेकिन पहले बाजार गया वा उन्हें फल लिया वा बच्चों वास्ते क्या वा एक दुहाना एक खरबूजा अज मैं साइड से रख दिता वा भी यकदम बच्चों रोजे में इन्ना फल देना तो बच्चों को यह दुहाना जोड़ा वा यकदम देना लड़ भी सकता वा हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा दुहाना खाना थोड़ा थोड़ा खरबूजा खाना तो पहले खजूर ना रोजा खोलना अच्छा अल्लाह पाक खैर करे उस तो बाद थोड़ा जहा दुहाना खा के पानी भी फिर पीना यकदम पानी भी नहीं मेरा बेटा पीना सो ये समझ के रोजा खोलिया करो कोई नहीं सारी रात अल्लाह पाक ने अपनी दिती है सारी रात मेरा बेटा खाना ही है मुड़ के तराबियां पड़े हो उस टाइम मुड़ के खा लियो पैन लगे सौन लगे कोई चीज खा लियो अल्लाह खैर करे ते नाल मेरा भाई जी अल्लाह खैर करे अज लैके आया सी कट्टे दा गोशत भी ते वह भी मैं उत्ते रख्या होया ते इस करके भी रोजे का टाइम हो रहा यह मेरा फर्ज सी बच्चों के रोजे की अफतारी का टाइम हो रहा सी मैं खा वास्ते खाना ला दिता वा ते उस तो बाद हुण मैं बनानी है सालन जाके गोशत उत्ते रख्या होया मेरा पक रहा वा लकड़ा दियां तुहानूं दस्सिया होया भैणां भरावां वी लकड़ा की अग हल्की हल्की बलदी है ते हुण लानी है जाके घिओ उहनूं गोशत नूं ला के अपने बेटियां नूं गोशत भी रोटी भी तैयार करके लैके आनी है अज तां अल्लाह दा शुक्र आ अल्लाह कुल भैणां नूं इदां दे भाई देवे ते जिन्हां भैणां दे नहीं हैगे भरा उहनां नूं वी अल्लाह पाक सबर देवे ते जिन्हां दे हैगे आ उहनां नूं अल्लाह तंदुरुस्ती देवे अल्लाह जिंदगी करे उहनां भरावां दी मेरे भरावान भी अल्लाह बहुती बहुती जिंदगी करे अज सानू साडा वालद याद नहीं आन दिता आखिर एक दिन असी भी उत्थे ही जाना असल कारण इंसान दा उही है असी एक दिन उत्थे ही जाना ते अल्लाह पाक परेशानियां तो मेरे भरावान नू दूर रखे दुख तकलीफां तो दूर यही दिली दुआ अज मेरे बच्चों जोगा गोशत भी आ गया मेरे बच्चों जोगा फल भी आ गया मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हाँ जिन्ना इंसान झूठ मार लवे जी उन्ना ही थोड़ा वा मैं बहुत ज्यादा खुश हाँ अल्लाह पाक मेरे भाइयों को तंदुरुस्ती देवे सेहत देवे ते अज भाई मिलन आए सी वह फ्रूट भी लाए गोशत भी लाए अज कोई परेशानी नहीं सालन की भी अगे तो मैं दाल बनाई सी कल परसों कल करेले बनाए सी अज गोशत सी उन्होंने नसीबों अज इतवार सी उन्होंने बच्चों ने छुट्टी सी अज बच्चे आए सी फिर नाल फिर भाई ने आख्या उन्होंने रोजे है चलो मैंने एक बार बाजारों हो आऊंगा कोई चीज लै आऊँ तो उन्होंने वास्ते फिर जाने आप ते भाई अज गोशत भी दे गया जिसे किन्ने दिन हो गए रोजे अज जानवा रोजा है ना ज्यादा रोजे हो गए मेरे बच्चों ने तक गोशत मूँह रख के नहीं वेख्या अज भाई गोशत भी दे गया वा अलहमदुल्ला ते बदल भी बहुत ज्यादा आ गया वा ते अल्लाह खैर करे मैं जल्दी जल्दी हांडी भी तैयार कर लवा जेड़ा साडा बरांडा वा जो बहुत ही तेज बारिश आवे ते अल्लाह खैर करे जी मैं हुण अपने बरांडे चलनी हां उस किचन विच हुण बच्चों का खाना लिया खिलानी है खाने का इंतजाम करना वा इधरों बारिश पै रही है इतने लीड लाई है सोच वैसे तो उधर बल्ब का कोई इंतजाम नहीं है ते मैं सोचा भी चलो लीड ला के उत्थे बल्ब ला लें किचन दे विच जिहड़ा साडा बरांडा किचन अल्लाह पाक खैर करे अल्लाह हर मुसलमान नूं कोई थोड़ा बहुत छाया इंसान वास्ते होना चाहिए ना तो बारिश हो गई है फिर शुरू तो शुक्र उस मालिक का लख लख भी साढ़े को बरांडा ही हैगा वा
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਰਾਂਡਾ ਚੋਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ 4-5 ਵਜਦੇ ਪਏ ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਹਾਂਡੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸਾਲਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੀੜ ਲਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਟੂ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਚਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਬਲਬ ਹੋਣੇ ਸੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਚਨ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੂਗਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ।